हेलो, हम भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी में हैं। കന്യാകുമാരി തൊട്ട് നമ്മുടെ കാശ്മീരം വരെ ഈ യാത്ര ഇന്ത്യ ദേശത്തിന്റെ ഐക്യം കത്തിടും ഭാരത്. अभी माननीय विधायक, पूर्व विधायक कपकोट ललित पासवान जी मेरे साथ में हैं। ये यात्रा जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसके बारे में बताएंगे और क्यों कन्याकुमारी से ये शुरुआत की गई, और क्यों कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत की गई है, इसके बारे में बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,750 किलोमीटर, लगभग 150 दिन की पदयात्रा चल रही है। आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पदयात्रा में है। लगभग पूरे भारतवर्ष से 120 पदयात्री इसमें शामिल हैं, और भारत की एकता अनेकता में विश्वास करते हुए कांग्रेस ने तो गांधी जी का अहिंसा का रास्ता था, उस रास्ते को अपनाते हुए कश्मीर तक जो पदयात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा करी है, उसी तौर पर ये कांग्रेस को भी मजबूरी देगी और स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी प्रमुखता से राष्ट्रीय पटल पर रखने का पूरा काम करेगी। राहुल जी के नेतृत्व में जब पदयात्रा कन्याकुमारी से चली है और कल इसका आगाज और शुभारंभ कन्याकुमारी से हुआ, और आज विधिवत जो यहाँ से पदयात्रा आगे को चली है और आगे भी पदयात्रा चलेगी, जिसमें पूरे प्रदेशों से युवा साथी, बुजुर्ग, स्वयंसेवी संगठन के लोग, जागरूक लोग, बुद्धिजीवी जनता इस पदयात्रा में जुड़ेगी, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। और इस डबल इंजन की सरकार जो है उसको चेताने का भी काम करेगी कि इस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, इन सब मुद्दों को भी जो है देखेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। സോദരി സോദരരേ, നമുക്കെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാം.